हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट आ चुके हैं एंड यहां पे हम लोग आ गए हैं अपना पहला साइट विजिट करने। तो ये मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट कहते हैं इसे एंड ये सनसेट पॉइंट होटल से 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम लोग ने सिर्फ सामान रखा था एंड जल्दी जल्दी में हम लोग सनसेट पॉइंट आ गए हैं सनसेट देखने। तो इसे सनसेट पॉइंट, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी छिपी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना पिक्चर, यहाँ पे एक लड़की एक लड़का का दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोलता जाता है कि मैग्नोलिया नाम की एक लड़की थी, ये मैग्नोलिया थी ब्रिटिशर्स की बेटी। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था पूरा इंडिया में, तो जो झारखंड में ब्रिटिशर्स आते थे वो यहीं पर रुका करते थे। तो यहाँ पर जो मैग्नोलिया थी उसे एक चरवाहे से प्यार हो गया था। यहाँ पे आप मैग्नोलिया एंड उस चरवाहे का स्टैचू देख सकते हैं। तो जब मैग्नोलिया को लगा कि उसकी शादी चरवाहे से नहीं हो सकती है, उनका मिलन कभी नहीं हो सकता है, तो उसने अपने घोड़े के साथ इसी घाटी में कूदकर अपनी जान दे दी एंड अपने प्रेम को अमर कर दिया। तो यहाँ का सनसेट पॉइंट मैग्नोलिया एंड चरवाहे की प्रेम और विरह की दास्तां को, अनोखी दास्तां को बयां करता है। मैग्नोलिया नेतरहाट में इस कदर फेमस है कि आपको जगह जगह पर मैग्नोलिया नाम का होटल मिल जाएगा, जगह जगह पर मैग्नोलिया नाम का रेस्टोरेंट दिख जाएगा, बहुत सारे दुकान भी मैग्नोलिया नाम से खुले हुए हैं। तो इतनी फेमस है मैग्नोलिया नेतरहाट में। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा था। वैसे कैमरा में तो उसकी खूबसूरती यहाँ कुछ दिख भी नहीं रही है, जहाँ तक नज़र दौड़ाओ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे एंड इन पहाड़ों के बीच ये सूर्यास्त का नज़ारा। मैग्नोलिया एंड चरवाहे की जो लव स्टोरी है उसे पत्थर में उकेरा गया है एंड इसका पूरा श्रेय जाता है लातेहार के डीसी को। ट्रिप का पहला दिन मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट के नाम रहा। अब हम लोग चलते हैं वापस होटल एंड कल की तैयारी करते हैं, कल बहुत जगह घूमना है। सारे लोग लौट आए हैं ना सनसेट पॉइंट देख के। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।